तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तोरियो के मिस्ट्री के बारे में। तो आप सभी तो ये जानते होंगे कि तोरियो कैरेक्टर जो कि हमें दिखाया गया था डोरेमोन मूवी थ्री मैजिकल स्वॉर्ड मैन के अंदर, और जो तोरियो कैरेक्टर है वो कितना ज्यादा मिस्टीरियस है। तो इससे भी पहले मैंने एक वीडियो बनाया है डोरेमोन मूवी थ्री मैजिकल स्वॉर्ड मैन के ऊपर, पर उस वीडियो के अंदर मैंने जो तोरियो के बारे में ज्यादा डिटेल में बातचीत नहीं किया था। तो आज की इस वीडियो में हम तोरियो के बारे में बिल्कुल डिटेल में बातचीत करने वाले हैं, और वीडियो के एंड में मैं एक और चीज बताने वाला हूँ कि अगर क्या होता, व्हाट इफ नोबिता अगर उस ड्रैगन को मार देता। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो इस वाले मूवी के अंदर तोरियो हमें सबसे पहले ह्यूमन फॉर्म में देखने को मिला, जो कि नोबिता का मदद करता है एक फल देकर, और वो नोबिता को ये कहता है कि ये ज्ञान का फल है जिससे कि तुम अपना होमवर्क इजीली कर सकते हो। और कुछ देर बाद नोबिता को ये लगता है कि शायद ये सब एक सपना है, पर जब जैसे ही नोबिता का स्कूल छूटता है वापस से नोबिता तोरियो से मिलता है। और इस बार जब तोरियो नोबिता से मिलता है तो तोरियो सीधा डायरेक्टली बात करता है उस वाले ड्रीम कैसेट के बारे में जो कि थ्री मैजिकल स्वॉर्ड मैन के ऊपर होता है, जिस वजह से नोबिता घर पे आकर डोरेमोन से ये जबरदस्ती मंगाता है कि थ्री मैजिकल स्वॉर्ड वाले कैसेट जल्दी से जल्द मंगाओ डोरेमोन। ठीक उसी वक्त हम तोरियो को नोबिता के घर के छत पे देख सकते हैं, जो कि फ्यूचर के किसी बंदे से बात कर रहा होता है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी हो सकता है शायद ये तोरियो कोई ड्रीम कैसेट का कोई मॉन्स्टर नहीं, दरअसल ये एक फ्यूचर का रोबोट है जो कि अपने गेम की मार्केटिंग कर रहा है इस तरीके से। क्योंकि जब मूवी के एंड में जो बंदा आता है वो मशीन ले जाने के लिए, उसका चेहरा और इसका चेहरा आप बिल्कुल देख सकते हो, दोनों बिल्कुल तोरियो जैसे ही दिखते हैं। तो यानी ये हो सकता है कि जो तोरियो नाम का बंदा है वो दरअसल कोई विलेन नहीं, वो दरअसल फ्यूचर का बंदा है जो कि अपने गेम को नोबिता के पास सेल कर रहा है, और इसी कारण से वो पास्ट में आया होगा। तो ये एक बहुत परफेक्ट आंसर है कि आखिर तोरियो कौन है। अगर आप लोगों ने मूवी देखा होगा तो आप लोगों ने इस चीज को जरूर नोटिस किया होगा कि मूवी में दिखाए जाने वाले सारे विलन मर गए एक्सेप्ट तोरियो। क्यों तोरियो ही आखिर क्यों नहीं मरा उस मूवी के अंदर? तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर तोरियो इस मूवी के अंदर क्यों नहीं मरा एक विलन होने के बावजूद। और तोरियो जैसे दो और कैरेक्टर हमें डोरेमोन मूवी में दिखाया जा चुका है, जिसमें से एक मूवी के अंदर हमें दिखाया गया था, वो मूवी था डोरेमोन मूवी खेल खिलौना भूल भुलैया। उसमें से ये वाला कैरेक्टर जो कि बिल्कुल ज्यादा तो नहीं पर इसके आंखें बिल्कुल तोरियो जैसे ही लगते है, और जो दूसरा कैरेक्टर है वो इस मूवी में आया था जो मूवी का नाम था डोरेमोन मूवी स्टैंड बाय मी 2। तो इस वाले सीन में आप देख सकते हो ये जो फ्यूचर का बंदा होता है ये बिल्कुल तोरियो की तरह ही दिख रहा था। ये सब जानने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तोरियो कोई मिस्टीरियस कैरेक्टर वगैरह नहीं है, वो बस एक फ्यूचर का रोबोट है जो कि अपने ड्रीम कैसेट को सेल करने आया था नोबिता और डोरेमोन के पास। तो आप मुझे ये बताओ, जब तोरियो रियल वर्ल्ड में आया शिरोगाने तलवारबाज की खोज में, तो उसने नोबिता को ही क्यों चुना? तो आप में से कई लोग ये बोलोगे तो भाई नोबिता को नहीं चुनेगा तो और किसको चुनेगा, क्योंकि वही तो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। नहीं, तो ये इसका ऑब्वियस आंसर नहीं है, क्योंकि नोबिता के पास डोरेमोन है और डोरेमोन ही वो कैसेट खरीद सकता है ड्रीम कैसेट जो कि थ्री मैजिकल स्वॉर्ड मैन नाम का है। इसलिए तोरियो पास्ट में नोबिता को ही अपना कैसेट बेचने आया होता है, और ये कोई मिस्टीरियस कैरेक्टर नहीं, बस ये एक फ्यूचर का रोबोट है या फिर कोई एक एम्प्लॉय है जो कि अपने ड्रीम कैसेट को बस नोबिता के पास बेचना आया होता है। तो ये है मेरी थियरी इस मिस्टीरियस कैरेक्टर के ऊपर। आई थिंक अब आप इसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं करोगे कि आखिर ये कौन है और कौन सा कैरेक्टर है और ये इतना मिस्टीरियस क्यों है। जो कुछ भी है इस वीडियो में अब क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी आपको किसी चीज पर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो हम बात करते हैं, अगर नोबिता उस ड्रैगन को मार देता तो आखिर क्या होता उसके बाद मूवी के अंदर? खैर ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, पर उससे पहले मेरा एक और सवाल कि आखिर ये सारे जो लोग वो आखिर ड्रैगन को मारने क्यों आए हैं?
वजह है साई साई तावा को मारने के, क्योंकि ड्रैगन ने तो किसी को परेशान तक नहीं किया था और जो मेन विलन था वो तो साई साई तावा था। पर क्यों लोग ड्रैगन को मारने आते हैं और ड्रैगन अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों को पत्थर में बना देता है। अगर आप लोगों ने मूवी ध्यान से देखा होगा तो ड्रैगन नोबिता से ये कहता है कि लोग मुझे मारने इसलिए आते हैं क्योंकि अगर उनको मेरा खून मिल जाएगा तो वो अमर बन जाएंगे, वो कभी मर ही नहीं सकते, इसलिए सारे लोग साई साई तामा से लड़ने से पहले ड्रैगन को मारने के लिए आते हैं ताकि वो अमर बन जाए और वो साई साई तामा और उन सारे चेलों को आराम से मार सके। और मूवी के अंदर जो हमारा नोबिता होता है वो उस ड्रैगन को छोड़ देता है और वो ड्रैगन बाद में अपने पसीने से नहलाता है नोबिता और उसके दोस्तों को, जिसकी वजह से उनको बस एक लाइफ मिलती है पर वो अमर नहीं बनते। अगर नोबिता मूवी के अंदर उस ड्रैगन को मार देता तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस नोबिता अमर हो जाता और मूवी की स्टोरी लाइन वैसे ही चलती, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। क्योंकि जब नोबिता हारने वाला होता है साई साई तामा से, तभी उसके मॉम ने जो ड्रीम मशीन बंद कर दिया था, अगर मान लो नोबिता अमर भी होता तो उसी वक्त उसकी मॉम ड्रीम मशीन बंद कर देती, जिसका कुछ भी फायदा नहीं होता नोबिता को। और मूवी का क्लाइमेक्स जैसे होता है वैसे ही होता, बस फर्क इतना होता कि इस वाले क्लाइमेक्स में नोबिता काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वो ये सोच रहा था कि अगर वो एक बार मर जाएगा तो दोबारा जिंदा नहीं हो सकेगा। अगर उसके पास ड्रैगन का खून होता तो उसको इस चीज का डर कभी होता ही नहीं कि वो मर जाएगा, और वो बिना डरे साई साई तामा से लड़ता और शायद बिना बिग लाइट के वो साई साई तामा को हरा भी देता। तो ये था आज का वीडियो, आई थिंक आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।